हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सर्वलेट के एग्जांपल प्रोग्राम्स के। तो जो लास्ट हमने प्रेजेंटेशन देखा था, जो वीडियो देखा था, उसके बारे में हमने सर्वलेट की थ्योरी के बारे में पढ़ा था। तो आज हम सर्वलेट की थ्योरी के साथ साथ हम कुछ प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स भी रन करके देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे कंटेंट्स आज के इस प्रकार से हैं। तो पहले हम जो पिछली बार हमने थ्योरी चेक करी थी उसके बारे में कुछ रिव्यू पढ़ेंगे, तो सर्वलेट्स के बारे में कुछ रिव्यू पढ़ेंगे कि किस तरह से सर्वलेट हम रन कर सकते हैं, इनके क्या क्या मेथड्स, क्लासेस और पैकेजेस हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि सर्वलेट के प्रोग्राम्स को जैम्प के साथ हम कैसे रन कर सकते हैं। उसके बाद हम एक सिंपल सर्वलेट प्रोग्राम के बारे में समझेंगे कि एक सिंपल सर्वलेट का प्रोग्राम हम कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जेनेरिक सर्वलेट का, और एक एग्जाम्पल हम देखेंगे HTTP स्पेसिफिक सर्वलेट का। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रिव्यू से। तो सर्वलेट क्या होते हैं? सर्वलेट जो है वो जावा के प्रोग्राम्स हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं जो कि सर्वर साइड पे रन होते हैं। और क्या फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करवाते हैं? ये हमको डायनेमिक वेब पेजेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, मीन्स डायनेमिक कंटेंट्स हमें प्रोवाइड करवाते हैं। तो सर्वलेट से पहले हम क्या काम में लेते थे? सर्वलेट से पहले हम CGI, कॉमन गेटवे इंटरफेस, ये काम में लेते थे, ठीक है। लेकिन सर्वलेट जो है CGI से बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसर लोड ये बहुत ही बेनिफिशियल है सर्वर्स के लिए, क्योंकि इस पर ये सर्वलेट जो है सर्वर पे बहुत कम लोड डालता है और इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। और जावा में होने के कारण ये सिक्योर और पोर्टेबिलिटी के फीचर्स भी हमको प्रोवाइड करवाता है। तो बेसिकली सर्वलेट्स के लिए दो मेन पैकेजेस हैं, एक है java.x.servlet और दूसरा है java.x.servlet.http। और दो ही मेन क्लासेस हैं, एक है जेनेरिक सर्वलेट के लिए java.x.servlet.generic-servlet और एक HTTP सर्वलेट्स के लिए है, वो है java.x.servlet.http.http-servlet। ठीक है, तो दो मेन क्लासेस और दो मेन पैकेजेस हमारे पास सर्वलेट की प्रोग्रामिंग के लिए अवेलेबल है। ठीक, तो हम देखते हैं कि किस किस क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हम इन दो पैकेजेस से यूज में लेते हैं जनरली। तो सबसे पहले हम सर्वलेट इंटरफेस एक हमें मिलता है, वो है java.x.servlet पैकेज के अंदर। इसी तरह से सर्वलेट रिक्वेस्ट और सर्वलेट रेस्पॉन्स, ये दो इंटरफेस हमको मिलते हैं इसी पैकेज में। रिक्वेस्ट पैकेज जो है, ये रिक्वेस्ट इंटरफेस जो है, ये काम आता है हमको क्लाइंट से रिक्वेस्ट को रीड करने के लिए। और सर्वलेट रेस्पॉन्स इंटरफेस जो है वो हमको अलाउ करता है कि हम एक रेस्पॉन्स क्रिएट करके वापस क्लाइंट को सेंड कर सकें। जेनेरिक सर्वलेट क्लास भी इसी पैकेज के अंदर आती है, java.x.servlet के अंदर। ये प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट एक सर्वलेट बनाने के काम आती है, ठीक है। इसी तरह से HTTP सर्वलेट जो है स्पेसिफिकली केवल HTTP सर्वलेट बनाने के लिए काम आती है। इसके भी दो इंटरफेसेस है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स। ये इंटरफेस हमें काम आता है रिक्वेस्ट को रीड करने के लिए, ये इंटरफेस हमें काम आता है रेस्पॉन्स को राइट करने के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं कि जैम्प के साथ में हम एक सर्वलेट का प्रोग्राम कैसे रन कर सकते हैं। तो जैम्प क्या है? ये क्रॉस प्लेटफॉर्म अपाचे, MySQL, PHP और पर्ल, इसका एक कंबाइंड टूल है जिसके थ्रू हम वेब डेवलपमेंट का एनवायरमेंट सेट कर सकते हैं। तो सर्वलेट एक्चुअली तीन तरीके से हम बना सकते हैं। पहला है सर्वलेट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके, या दूसरा है एक जेनेरिक सर्वलेट क्लास को इनहेरिट करके, या एक HTTP सर्वलेट क्लास को इनहेरिट करके। तो जनरली हम HTTP सर्वलेट क्लास को इनहेरिट करके ही सर्वलेट बनाते हैं। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट है कि इस क्लास में हमें स्पेसिफिक मेथड मिल जाते हैं, गेट रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए डू गेट, पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए डू पोस्ट, हेड रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए डू हेड, इस तरह से, जो कि हमें जेनेरिक सर्वलेट में नहीं मिलते हैं। लेकिन हम एक एग्जांपल जेनेरिक सर्वलेट का देखेंगे और एक एग्जांपल हम HTTP सर्वलेट का देखेंगे। तो हमें सबसे पहले ZAMP सेटअप करना होता है, तो उसके लिए हम ZAMP इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे ZAMP को और जावा के लिए JDK को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जावा का पाथ सेट करेंगे, पाथ एनवायरमेंट वेरिएबल बना के, तो वो पॉइंट करता है हमें JDK के अंदर बिन डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। तो एक पाथ एनवायरमेंट वेरिएबल बनाएंगे JDK बिन डायरेक्टरी को पॉइंट करे उसके लिए, तो हम उससे क्या हो गया, जावा के प्रोग्राम्स हम कंपाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो
तो हमने जेडीके इंस्टॉल कर लिया और नॉर्मल जावा के प्रोग्राम्स हम कंपाइल कर सकते हैं। ये हुआ फर्स्ट। उसके बाद हमें एक जावा अंडरस्कोर होम एनवायरमेंट वेरिएबल और बनाना पड़ता है, जो कि कहाँ पॉइंट करता है, जेडीके स्लैश बिन फोल्डर के लिए, ठीक है। तो ये भी बिन फोल्डर को ही पॉइंट करता है और हमारा पाथ एनवायरमेंट भी बिन फोल्डर को कंटेन करता है। एक थर्ड एनवायरमेंट वेरिएबल हम और बनाते हैं क्लास पाथ करके, और ये पॉइंट करता है इस सर्वलेट एपीआई डॉट जार फाइल को। ये सर्वलेट एपीआई डॉट जार फाइल कहाँ होती है, ये हमें जैम्प के अंदर टॉमकेट जो हमारा सर्वलेट कंटेनर है उसके अंदर लिप फोल्डर के अंदर मिलती है। तो हमें इसका पाथ देना होता है जैम्प स्लैश टॉमकेट स्लैश लिप फोल्डर, ठीक है। कहाँ पर देना है, क्लास पाथ के अंदर, ओके। तो ये एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल प्रोग्राम जब हम रन करेंगे तब मैं आपको तीनों चीजें बताऊंगा, पाथ प्रोग्राम सेट करना, जावा होम को सेट करना और क्लास पाथ को सेट करना, ओके। उसके बाद में हम जावा का प्रोग्राम जो है उसको कंपाइल करते हैं, जो सर्वलेट का प्रोग्राम है उसको कंपाइल करेंगे और एक क्लास फाइल जनरेट करेंगे, ठीक है। अब इस क्लास फाइल को हमको एक स्पेसिफिक फोल्डर में रखना होगा, वो कहाँ पर है, वो है जैम्प के अंदर टॉमकैट के अंदर वेब एप्स, उसके अंदर रूट के अंदर वेब INF और उसके अंदर क्लासेस। इस फोल्डर के अंदर हमको उन क्लास फाइल को रखना होगा जो सर्वलेट की क्लास फाइल है, ओके। अब उसके अलावा हमको एक web.xml फाइल और होती है, उसको भी अपडेट करना होता है। वो web.xml फाइल में हमको एंट्री चाहिए, सर्वलेट का नाम, उसकी कौन सी क्लास है और उसका URL का पैटर्न क्या होगा, इसकी एंट्री करनी होगी। ये हम जब प्रैक्टिकल प्रोग्राम रन करेंगे तब हम इसको भी चेक कर लेंगे। इसके अलावा जब ये सब काम हो जाए उसके बाद हम टॉमकैट को स्टार्ट करते हैं जैम्प के कंट्रोल पैनल से, और हमारा जो URL होगा सर्वलेट को चलाने का वो होगा http://localhost8080/ जो भी सर्वलेट का हमने नाम रखा है, यहाँ पर URL पैटर्न में जो नाम रखा है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो हम जब ऐसा लिखेंगे तो हमारा सर्वलेट रन होगा। अब हम देखते हैं एक सिंपल सर्वलेट का प्रोग्राम हम कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पैकेज इंपोर्ट करने होते हैं। कौन कौन सा पैकेज चाहिए, एक तो चाहिए java.io, एक चाहिए javax.servlet और एक चाहिए javax.servlet.http, ठीक है। अब अगर हमें http सर्वलेट बनाना है तो हम एक्सटेंड करेंगे http सर्वलेट क्लास को, और जेनेरिक सर्वलेट बनाना है तो हम जेनेरिक सर्वलेट क्लास को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। अगर हम जेनेरिक सर्वलेट बनाते हैं तो हमारे पास केवल एक ही मेथड होता है, सर्विस मेथड। तो हम इस सर्विस मेथड को ओवरराइड करेंगे अगर हमें जेनेरिक सर्वलेट बनाना है तो। और http सर्वलेट के अंदर हमारे पास डू गेट और डू पोस्ट मेथड है, जैसा हमें चाहिए। जो हमें क्लाइंट से अगर गेट मेथड से रिक्वेस्ट आ रही तो हम डू गेट मेथड लिखेंगे, और पोस्ट मेथड से रिक्वेस्ट आ रही तो हम डू पोस्ट मेथड को लिखेंगे। इन सब कामों के बाद में हमें क्या करना है, एक रेस्पॉन्स के लिए हमें एक आउटपुट सेट करना है। तो रेस्पॉन्स में हम सबसे पहले कंटेंट टाइप सेट करते हैं text/html, क्योंकि हम एक रिटर्न कर रहे हैं html फाइल। तो हम सेट कंटेंट टाइप करते हैं html। उसके बाद हम एक प्रिंट राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, प्रिंट राइटर pw=res.getWriter। तो अब pw हमारे पास एक प्रिंट राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया है। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एक html फाइल के टैग्स लिखना शुरू करते हैं, जैसे pw.println html, फिर बॉडी, फिर हेड, टाइटल, हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, जो भी हमें चाहिए वो हम एक html फाइल में लिखना शुरू करते हैं इस राइटर ऑब्जेक्ट के थ्रू। और फाइनली जब पूरी हम html फाइल बना लेते हैं तो उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को हम क्लोज करते हैं pw.close के थ्रू। तो इस तरह से हम एक डायनेमिकली यहाँ पर html वेब पेज जनरेट करते हैं रेस्पॉन्स के अंदर, और वो वेब पेज वापस क्लाइंट को। तो अब हम शुरू करते हैं सर्वलेट के प्रोग्राम्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक जेनेरिक सर्वलेट का एग्जांपल, और फिर हम देखेंगे http सर्वलेट का एग्जांपल। इससे पहले हम पाथ एनवायरमेंट वेरिएबल को भी सेट करना चेक करेंगे। तो पाथ एनवायरमेंट सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, माय कंप्यूटर, उसकी प्रॉपर्टीज पे जाते हैं, प्रॉपर्टीज के अंदर एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, और यहाँ पर एनवायरमेंट वेरिएबल हम चेक करते हैं। एनवायरमेंट वेरिएबल के अंदर देखिए, सबसे पहले पाथ एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने जावा के अंदर जेडीके 1.8 मैंने इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पर जावा जेडीके 1.8 का जो भी फोल्डर है उसके अंदर बिन फोल्डर का पाथ दिया हुआ है, ठीक है। तो आपके सिस्टम पे जो भी जावा का वर्जन हो उसके अंदर बिन फोल्डर का पाथ हमें इस पाथ एनवायरमेंट वेरिएबल में देना होता है। दूसरा एक हमने
और एनवायरमेंट वेरिएबल बनाया था वो है जावा अंडरस्कोर होम, और ये भी बिन फोल्डर को ही पॉइंट करता है, उसी बिन फोल्डर को ये भी पॉइंट करता है, ठीक है। और एक तीसरा हमने बनाया था क्लास पाथ, जो कि जैम्प के अंदर टॉम किट के अंदर लिप फोल्डर के अंदर होता है। तो हम देखते हैं हमारा जैम्प एच ड्राइव के अंदर, जैम्प जैम्प के अंदर टॉम कैट और उसके अंदर लिप फोल्डर, यहाँ पर सर्वलेट डॉट ईपी ये फाइल है जो हमको चाहिए होती। तो हमने यहां तक का पाथ क्लास पाथ के अंदर दे रखा है। तो इस तरह से हमने तीन एनवायरमेंट वेरिएबल बना रखे हैं, पाथ, जावा होम और क्लास पाथ, ठीक है। तो अब हम प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले हम एक जेनेरिक सर्वलेट का प्रोग्राम देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले हम पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं, आईओ पैकेज हमें चाहिए और जावा एक्स डॉट सर्वलेट पैकेज चाहिए। यहाँ पर हम एस टी टी पी सर्वलेट नहीं ले रहे हैं, इसलिए हम जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एस टी टी पी पैकेज को इम्पोर्ट नहीं करेंगे, ओके। तो यहाँ पर हमने एक क्लास ली है फर्स्ट, जो कि जेनेरिक सर्वलेट को एक्सटेंड करती है। इसका एक सर्विस मेथड है, इस सर्विस मेथड के अंदर रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर हमने सेट कंटेंट टाइप किया है टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल, ठीक है। उसके बाद एक पीडब्ल्यू करके रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर लिया है, उसमें एक एचटीएमएल फाइल हमने लिखी है, एचटीएमएल हेड, टाइटल में हमने दिया है जेनेरिक सर्वलेट, फिर हेड क्लोज, फिर बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर दिया है, फिर एक हेडिंग लिखी है हेलो वर्ल्ड जेनेरिक सर्वलेट, और एक पैराग्राफ लिखा है जेनेरिक सर्वलेट एग्जाम्पल। उसके बाद बॉडी क्लोज, एचटीएमएल क्लोज, और प्रिंट राइटर का जो हमने ऑब्जेक्ट लिया था उसको भी हमने क्लोज कर दिया। तो ये तो हो गया हमारा जावा का प्रोग्राम। अब हमने बोला था कि सर्वलेट के अंदर हमको वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में भी एंट्री करनी पड़ती है। तो वेब डॉट एक्सएमएल फाइल कहाँ होती है हम चेक करते हैं, एच के अंदर जैम, जैम के अंदर टॉम कैट, टॉम कैट के अंदर वेब एप्स, उसके अंदर रूट, रूट के अंदर वेब आई एन एफ, उसके अंदर ये फाइल है वेब फाइल, ठीक है, ये रही वेब डॉट एक्सएमएल। तो हमको यहाँ पर एक एंट्री करनी होती है। तो यहाँ हमने पहले से एंट्री कर रखी है, देखिए सर्वलेट, उसका नाम फर्स्ट, उसकी क्लास का नाम फर्स्ट, यहाँ देखिए क्लास का नाम है हमारे पास क्या है फर्स्ट, ये रहा पब्लिक क्लास फर्स्ट। तो हमने यहाँ पर एंट्री करी है सर्वलेट का नाम फर्स्ट, उसकी क्लास का नाम फर्स्ट। अब मैपिंग में भी हम वापस लिखते हैं सर्वलेट का नाम फर्स्ट और उसका यूआरएल पैटर्न क्या है स्लैश फर्स्ट। तो जब हम इसको रन करेंगे तो सर्वलेट पे लिखेंगे स्लैश फर्स्ट और ये प्रोग्राम, ये सर्वलेट रन होगा। तो ये एंट्री हमने वेब डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर यहाँ पर कर रखी है, ओके। तो अब हम जैम्प के थ्रू टॉमकैट सर्वर को स्टार्ट करते हैं और इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो यहां से हमने टॉमकैट को स्टार्ट किया, यहाँ पर टॉमकैट स्टार्ट है 8080 पोर्ट पर। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कंपाइल करते हैं जावा सी फर्स्ट डॉट जावा। प्रोग्राम कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। अब हमें क्या करना है, इसकी जो क्लास फाइल जनरेट हुई है यानी कि फर्स्ट डॉट क्लास, उसको हमें उस फोल्डर में डालना है, वेब आई एन एफ के अंदर जो क्लासेस नाम का फोल्डर है उसके अंदर डालना है। तो ये रही फर्स्ट डॉट क्लास, इस फाइल को यहाँ से कॉपी करके हमें वेब आई एन एफ के अंदर क्लासेस के अंदर पेस्ट करना है फर्स्ट डॉट क्लास। ये हमारी पास फाइल आ गई फर्स्ट डॉट क्लास, और साथ ही साथ इसकी एंट्री हमने ऑलरेडी यहाँ वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में भी कर दी थी, ठीक है। ये देखिए वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर फर्स्ट सर्वलेट का नाम, उसकी क्लास का नाम भी फर्स्ट, सर्वलेट का नाम फर्स्ट और उसका यूआरएल पैटर्न है स्लैश फर्स्ट। तो अब हम इस फाइल को रन करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि हमारा टॉमकैट सर्वर भी चल रहा है। तो हम एक वेब ब्राउजर ओपन करते हैं, वेब ब्राउजर पे हम लिखते हैं लोकल होस्ट 8080। तो ये दिखाता है कि हमारा टॉमकैट चालू है। तो हम लिखते हैं स्लैश फर्स्ट, ठीक है, और यहाँ पर हमें जेनेरिक सर्वलेट का आउटपुट मिलता है हेलो वर्ल्ड जेनेरिक सर्वलेट, और यहाँ पर लिखा है जेनेरिक सर्वलेट एग्जांपल, और इसका बैकग्राउंड कलर है पावर ब्लू कलर, ठीक है। तो इस तरह से हम एक
छोटा सा जेनरिक सर्वलेट इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अब हम दूसरा एग्जांपल चेक करते हैं जो कि है एचटीटीपी सर्वलेट का। तो जैसा कि मैंने बताया था, अब हम एचटीटीपी सर्वलेट बना रहे हैं तो हमें ये वाला पैकेज भी इंपोर्ट करना होगा, javax.servlet.http, ठीक है। और एचटीटीपी सर्वलेट के लिए बेस क्लास है हमारे पास एचटीटीपी सर्वलेट, तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे। तो हमने एक पब्लिक क्लास बनाई सेकंड एक्सटेंड एचटीटीपी सर्वलेट, और एचटीटीपी सर्वलेट के अंदर मैंने बताया था हमारे पास गेट रिक्वेस्ट के लिए स्पेसिफिक मेथड है डू गेट, ठीक है। तो डू गेट मेथड हम काम में लेंगे और बाकी हमारा कंटेंट सब सेम है, जहां पर प्रिंट रिस्पॉन्स के अंदर हमने कंटेंट टाइप सेट किया है, एचटीएमएल प्रिंट राइटर का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उसमें एचटीएमएल है, टाइटल बॉडी सेम जो हमने लिखा है, और यहाँ पर हमने लिखा है एक एचटीटीपी सर्वलेट टाइटल में, और एक हमने हेडिंग में लिखा है हेलो वर्ल्ड एचटीटीपी सर्वलेट, और एक पैराग्राफ में लिखा हमने एचटीटीपी सर्वलेट एग्जांपल, ठीक है। तो इसकी भी सर्वलेट की मैपिंग हमको web.xml में डालनी है। तो हमारी क्लास का नाम क्या है, सेकंड, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सर्वलेट का नाम सेकंड, क्लास का नाम सेकंड, और मैपिंग में लिखते हैं हम सर्वलेट का नाम सेकंड, और URL पैटर्न है /second, तो हम इसके थ्रू हम इसको रन करेंगे, ठीक है। तो ये एंट्री हमने web.xml के अंदर भी डाल दी है यहाँ पर, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, जावा सी second.java, प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब इसकी क्लास फाइल को हम वापस इसी web.inf फोल्डर में डाल देते हैं। तो ये है हमारी second.class, इसको यहाँ से कॉपी करके web.inf के अंदर क्लासेस यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, ये हमारी second.class फाइल हो गई है, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, तो रन करने के लिए यहाँ पर लोकल होस्ट 8080/second लिखते हैं, second, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक एचटीटीपी सर्वलेट मिला है, देखिए हेलो वर्ल्ड एचटीटीपी सर्वलेट और एचटीटीपी सर्वलेट एग्जांपल, और इसका टाइटल है एचटीटीपी सर्वलेट, ठीक है। तो इस तरह से हम आसानी से एक एचटीटीपी सर्वलेट और एक जेनेरिक सर्वलेट XAMPP के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा एक जेनेरिक सर्वलेट का एग्जांपल, एक एचटीटीपी सर्वलेट का एग्जांपल, और XAMPP के थ्रू इनको रन करने का तरीका। थैंक यू।